हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 31 जुलाई था और कल लेखपाल एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद कई सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि जो आपका पेपर था वो लीक हो गया था, कई सारे नकल करने वाली डिवाइसेस भी पकड़ी गई। और यहाँ न्यूज़पेपर में भी मेंशन किया गया है कि कान में ब्लूटूथ, गले के पास माइक लगाकर लेखपाल एग्जाम में नकल कराई गई थी, यानी पूरा नकल का गैंग ही पकड़ा गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, लेकिन बार बार ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पेपर लीक हो गया था, पेपर लीक हो गया था। तो यहाँ जो एसटीएफ की टीम थी उन्होंने ये ऐसा मेंशन किया है कि जो पेपर था वो लीक नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ नकल कराई गई थी। यानी जो नकल कराने वाले गैंग थे वो थे, पेपर पहले से लीक नहीं था। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सेड एक्शन वाज ऑन एंड मोर अरेस्ट वर लाइकली टू बी मेड। ही सेड दैट द क्वेश्चन पेपर वाज नॉट लीक्ड, यानी क्वेश्चन पेपर आपका पहले से लीक नहीं हुआ था, सिर्फ सॉल्वर गैंग को ही पकड़ा गया है। पेपर के दौरान यानी पेपर के जब पेपर हो रहा था उस टाइम ही नकल कराई गई थी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, यानी अगर पेपर पहले से लीक नहीं हुआ था, आयोग की तरफ से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो पेपर के पोस्टपोन होने या पेपर के कैंसिल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। क्योंकि अगर पहले से पेपर लीक होता तो कोई प्रॉब्लम होती, लेकिन अगर बीच में नकल कराया गया उनको तो भाई अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें तो सजा मिल जाएगी। पेपर पहले से लीक नहीं हुआ इसलिए पेपर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है, तो पेपर आपको कैंसिल नहीं होगा, यानी आपका पेपर कैंसिल नहीं होगा। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि पेपर लीक होने की वजह से पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा बहुत कम संभावनाएं हैं। अगर ऑफिशियल साइट की बात करें तो ऑफिशियल साइट में यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की गई है। 30 जुलाई को लास्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। कल एग्जाम आपका कंडक्ट कराया गया है और उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई कि आपका एग्जाम कैंसिल होगा, नहीं होगा, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ऐसी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और रिजल्ट कब तक आएगा? 2-3 महीने में हो सकता है, 2-3 महीने लग जाएं आपके एग्जाम के रिजल्ट आते आते। तो रिजल्ट के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, कुछ मैं कंफर्म नहीं बता सकती कि कब तक रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी की न्यूज यही है कि जो आपका एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होगा। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी भी खबर है जिनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। आगे कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगी, तुरंत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको तुरंत इमीडिएट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।